हाँ तो किसान भाइयों, आज हम आप लोगों को दिखा रहे हैं अपने खेत का जो वैष्णवी मकई है, वही मकई का पटवन। देखिए, यह खेत में हम लोग खड़े हैं और पानी भी पटा रहे हैं, जन भी है वह भी पानी पटा रहा है। तो यह मकई का रंग देखिए हरा भरा है, इसके आगे में वही कालुआ थान है और इधर आपका बिजली का पोल दिखाई दे रहा है और इधर बांस का बिट्टा मेरा ही है और इसी बिट्टा से भादो महीना में सब पटवा गोश लगाने वाला यहीं से बांस काटता है। और बगल में देखिए, ये किसान हैं जो कि खैनी खा रहे हैं और घास कर रहा है। क्या दिनेश भाई? हाँ, तो आप घास किसको खिला रहे हैं? पशु को। पशु को क्या है, गाय है कि क्या है? गाय है, एक बाछी है। हाँ देखिए, गाय के लिए कितना बढ़िया सुंदर घास है इसमें, यानी जंगल कहिए। इस जंगल को उकरने के लिए दवाई दे सकते हैं, लेकिन दवाई देने के बाद मकई पर कुछ असर पड़ता है, इसीलिए दवाई नहीं दिए। तो यह घास गरने वाला जो है किसान, यह अच्छा तरह से ही घास गर रहा है एकदम। और देखिए, इधर मेरा जन भी चल रहा है, तम्बाकू का टुसनी हो रहा है और उधर भी जन चल रहा है, जिलेबी गाछ के बगल में। तो आप लोगों से यही कहेंगे कि आप इसी तरह से अच्छा से अच्छा मकई लगाइए जो कि उपज अच्छा दे। और यह मकई जो है वैष्णवी का है, 55-77 जो कहते हैं वही है, और गाछ भी हरा भरा है, मोटा तना है और यह हरा भरा इसलिए है कि यह ज़मीन जो है, जिसको मटियोर ज़मीन कहते हैं, मिट्टी वाला ज़मीन, वही ज़मीन का यह मक्का है। और बगल में देखिए, घास जो कर रहा है दिनेश भाई, वह जंगल को उखाड़ रहे हैं। इनके पास गाय है, एक बाछी है, तो यह भी जो है कि अच्छा तरह से घास कर रहे हैं जो कि मकई को नुकसान नहीं कर रहा है। देखिए, ये चारों तरफ मकई ही मकई है और कहीं कहीं पर तम्बाकू भी है। और इधर आपका कुर्सेला दिखाई दे रहा है, बिजली पोल के पीछे में कुर्सेला बस्ती है और इधर कालुआ थान के पीछे में कोशकीपुर, जो पूर्णिया जिला में पड़ता है। इधर आपको जो है सिमरा पड़ता है, जो पूर्णिया जिला में ही पड़ता है। तो इसी बीच में है इस बस्ती से, यानी इस बस्ती में ही आवाज़ आ रहा है वही नाच गान का। और यह टपुआ बिहार है, टपुआ बिहार इसीलिए बोला गया है, नाम रखा गया है कि चारों तरफ टापू तरह से घिरा हुआ है और चारों तरफ नदी गहराई है, उसमें पानी जम जाता है, ये बीच में ऊंचा रहता है, इसीलिए इसको टापू कहा जाता है, टपुआ बिहार। तो यहाँ पर मकई जो भी है, मेरा अनुमान है कि यह मक्का जो है 6 मन से ऊपर कट्ठा में जाएगा, यानी कि 1 बीघा में लगभग 120 मन से कुछ ऊपर ही जा सकता है यह मकई। आप लोगों को यही कहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, और इसी तरह बराबर हम वीडियो कुछ न कुछ दिखाते रहेंगे, मक्का का हुआ, तम्बाकू का हुआ,
इसी तरह।